find out. भाई कहा भोपाली फन्ने खां को अंदर की खबर ये मिली है कि एग्जिट पोल ने नेताओं की रातों की नींद उड़ा दी है। भाई खां अभी एग्जिट पोल भी बड़ी अजीब सी चीज है, अजीब कहानी है यार। जिसको जो शूट कर रहा है वो अपने चैनल की एग्जिट पोल देख रहा है। अब कोई एग्जिट पोल जो है वो प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनते हुए बता रहा है, कोई एग्जिट पोल वाला जो है वो बीजेपी की सरकार बनते हुए बता रहा है। और यकीन मानना आप, अलग अलग एग्जिट पोलों की रिपोर्टें अलग अलग हैं और इन एग्जिट पोलों ने नेताओं की रातों की नींद उड़ा दी है। अब क्योंकि भाई हाँ, उन्होंने अगर सही से किसी काम को विश्वास में लिया होता मतदाताओं को तो वो अपने ट्रेन की बंदी बजा के सोते। लेकिन अब हालत ये है भाई हाँ कि इन एग्जिट पोलों की वजह से इन बागियों की बड़ी पूर पैर बढ़ गई है। अब कई बागी तो ये सोच के बैठे हुए हैं कि अगर भाई खां अगर दो चार की कमी पड़ गई तो वही जो फन्ने खां ने कहा था कि हार्स ट्रेडिंग होगी और इनके रेट बढ़ेंगे। तो मियां बड़े बड़े पार्टियों के बड़े बड़े लीडर अंदर खाने, बात ये है कि वोटिंग से पहले पहले वो लोग ये मोल तोल कर रहे हैं कि कौन कितने में मिल सकता है, कौन कितने में बिक सकता है। क्योंकि भाई खां ये खरीद फरोख का बाजार जो है ना, ये बड़ा खतरनाक खुलने वाला है और यकीन मानना बड़ी घमासान मचेगी। एक एक सीट कांटे की टक्कर है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर, एक एक सीट के ऊपर बड़े नेताओं की नजर है और बड़ी पार्टियों की नजर है। अब मियाँ निर्दलीय जो चुनाव जीत के आने की अपनी संभावनाएं टटोलना है तो वो मियाँ अंदर खाने की बात यह कि निर्दलीय भी अपने रेट तय कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में जाने का भाव ताव करें कि पैसे में डायरेक्ट लेन देन करें। अंदर खाने की बात यह है कि बड़े बड़े नेताओं की उनके ऊपर गिद्धी दृष्टि डली हुई है और ये सोच रहा है कि मियाँ अगर अपनी पार्टी का बागी है तो अपन दोबारा उसको मना थपा लेंगे और अपनी पार्टी में वापस ले आएंगे। लिहाजा ये कि दोनों पार्टी के नेता इस वक्त चुनाव नतीजों से पहले पहले इकट्ठे होकर पूरे पूरे दाव में आजमा रहे हैं और कोई भी अपनी बाजी हाथ से निकलने नहीं देना चाहता। फन्ने खां का मशवरा ये है भाई खां कि लेन देन से बचो और जनता की भलाई की बात सोचो और काम वो करो जिससे देश का भला हो, लेन देन को छोड़ो भाई खां। ने कहा भोपाली।